نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

ईदगाह की तरफ हरगिज़ कदम ना बढ़ाए हमारी ईदगाह की तरफ वो हरगिज़ ना आए यानी कुर्बानी जिस शख्स के ऊपर वाजिब है जो भी साहिब निसाब शख्स है और उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुर्बानी वाजिब की गई है तो उसे चाहिए कि वो अपने इस वाजिब की अदायगी की फ़िक्र करे और इस वाजिब को अच्छे तरीके से अदा करे इस वाजिब की अदायगी की जो जो शराइत हैं जो आदाब हैं उनको उनकी रियायत करते हुए इस वाजिब को अदा करें और इस वाजिब की अदायगी में जो कोताहियां हैं और गलतियां हैं उनसे बचने की कोशिश करें लिहाजा आज की इस मजलिस में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि इस कुर्बानी के वाजिब की अदायगी में जो गलतियां उमूमन हम आम लोगों से सरजद होती हैं उनमें से कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं और हम उसका मुशाह भी करते हैं और उसको देखते भी रहते हैं चुनाचे उनमें से एक पहली ग़लती वो यह है ये है कि इब्तान ये इब्तदाई गलती है कि जब जानवर ख़रीदने के लिए मंडी में जाते हैं तो ऐसा जानवर ख़रीदते हैं और या तो लाली की बुनियाद पर ख़रीद लेते हैं या यह है कि व्यापारियों के, के फ्रॉड में आकर उनके धोखे फरेब में आकर उनकी ग़लत बयानी की वजह से ऐसा जानवर ख़रीद कर ले आते हैं जो नाकिस या अबदार होता है तो ऐसा जानवर ख़रीदना कि जिसमें कोई अब हो कोई नुस हो और फिर ख़रीद लेने के बाद फिर बाद में आकर से उस बारे में पूछ लेना कि अब हम ये जानवर ले आए हैं अब इस जानवर की कुर्बानी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो ये सारी पूछने की बातें ऐप की या नुस्ख़ की बातें ये जानवर की ख़रीदारी से पहले पूछनी चाहिए कि कौन कौन सा जानवर हमें ख़रीदना चाहिए कौन से ऐप से हमें बचना चाहिए कि जानवर के अंदर कौन सा ऐप ना हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होती है तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी जानवर की ख़रीदारी के लिए जाएँ तो बेऐब जानवर ख़रीदें और उसमें किसी किस्म का कोई नुस्ख़् ना हो तो एक तो ये पॉइंट हो गया दूसरे किस्म की जो एक खामी है जो उमूमन ख़रीदारी के वक्त की जाती है वो जानवर की उम्र का लिहाज कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं किया जाता कोई जानवर जब हम ख़रीदने जाते हैं तो अगर वो भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरी के अंदर कम से कम जो उम्र है वो एक साल है यानी भेड़ बकरी की उम्र अगर एक साल है या एक साल से ज़ायद है तो वो कुर्बानी के लिए वो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है इसी तरीके पर गा... गाय भैंस वगैरह जो है उसके अंदर दो साल की उम्र की शर्त लगाई गई है दो साल या उससे बड़ी और इसी तरीके पर ऊंट की उम्र वो कम से कम पाँच साल है तो पाँच साल से कम उम्र या गाय भैंस में दो साल से कम उम्र की गाय भैंस बा करना या बकरी में भेड़ बकरी में एक साल से कम उम्र की बा करना यह जायज़ नहीं अलबत्त ये दुम्बा भीड़ वगैरह में अगर उनकी उम्र अगरचे एक साल ना हो लेकिन वो दिखने में और उनकी जिसामत और फरबापन में मोटापे में वो ऐसे हों कि एक साल उससे बड़े दिखाई देते हों तो फिर उनकी जान उनकी कुर्बानी दुरुस्त है लिहाजा उम्र का लिहाज करना भी जानवर के अंदर उनका इस शर्त का लिहाज रखना भी बहुत जरूरी है और जानवर खरीदते वक्त ये उम्र का तयन होना भी बहुत जरूरी है इसका भी ख्याल करना चाहिए तीसरी चीज़ इस जानवर की ़िबा के वक्त में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बसा औकात ऐसा होता है कि साहिब जो घर होता है या घर का जो मालिक होता है उसने इंतज़ाम तो किया हुआ था किया हुआ होता है किसी कसाई वगैरह के ज़रिए से वो जानवरों को बा करवाता है लेकिन उनका चूंकि शौक़ होता है और बेहतर भी यही है कि अपना जानवर खुद ही बा किया जाए और अगरचे सीखा हुआ हो तब लेकिन अगर कोई शख्स सीखा हुआ ही नहीं है और वो जानवर ज़िबा करता है तो उसको चाहिए कि वो खुद ज़िबा ना करे बल्कि जो शख्स जानवर ज़िबा करना जानता हो उसी शख्स से ज़िबा करवाना चाहिए लेकिन यह है कि अगर कोई शख्स शौक में और इस बात में कि भाई मैं अपना जानवर अपने हाथ से खुद ज़िबा करूं और उसमें वो जानवर को लिटाते ही उसके ऊपर जब छुरी फेरता है तो थोड़ी सी छुरी फेरने के बाद ही यानी वो उसने एक या दो रगे कटी हुई होती हैं उसके ऊपर तकबीर पढ़कर वो छुरी जो है वो कसाई के हवाले कर देते हैं अब इसने जिस मालिक ने पहली मरतबा छुरी फेरी है उसने तो तकबीर पढ़ ली इसमिल अकबर कह दिया लेकिन दो रगों के कटने के बाद या एक रग के कटने के बाद जब उसने कसाई के हवाले की तो कसाई ने यह समझा कि अब मालिक ने बिस्मिल्ला तकबीर पढ़ ली है तो मेरी तकबीर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तो वो उसी को कंटिन्यू रखता है और उस तकबीर को वो दोबारा नहीं दोहराता और उस जानवर को मुकम्मल बा कर देता है तो ऐसा जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती यहाँ यानी यह इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर इब्तदान एक शख्स ने छुरी फैरी और उसमें एक या दो रगें रगें कट गई और फिर छुरी दूसरे किसी शख्स के हवाले कर दी गई तो उस दूसरे शख्स का भी तकबीर पूरी पढ़ना ज़रूरी है इसका भी बहुत ख्याल करना चाहिए और कुर्बानी के जानवर के अंदर चार रगें कटना बहुत जरूरी है एक तो खुराक की नाली होती है और एक सांस की नाली होती है और दो दूसरी रगे होती हैं जिनको वदजैन कहा जाता है उन रगों का कटना भी बहुत जरूरी है यानी अगर दो रगे बड़ी वाली सांस की एक नाली और एक खुराक की नाली और वदजैन में से दोनों या एक अगर कट जाए तो जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है और इन रगों के कट जाने के बाद जानवर को छोड़ देना चाहिए कसाई इसमें बहुत ज़्यादा गफलत का शिकार हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वो गुलू इख्तियार करते हैं और उनकी गर्दन तक जानवर की गर्दन उनके जिसम से अलहदा कर देते हैं इसकी बुनियाद पर जानवरों का जो खून होता है वो जिसम से मुकम्मल नहीं निकलने पाता और उनका ख़ून उनके जिसम में रह जाता है जो बाद में गोश के अंदर फैल कर वो बाद में बीमारी का सबब बनता है तो इसमें साहेब घर को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अपने क़ाइयों को इस बात का पाबंद करें कि जैसे ही चार रगें कट जाए तो उस पर कसाई को इस बात की ताकीद की जाए कि बस अब जानवर को छोड़ दिया जाए मुकम्मल, मुकम्मल और उसके अलावा एक और अहम मसला जो कुर्बानी कर लेने के बाद इस कुरबानी के अंदर देखा जाएगा कि कुरबानी छोटे जानवर की, की है या बड़े जानवर की अगर छोटा जानवर की है यानी भेड़ बकरी दुम्बा वगैरह की है तो उसका तो एक ही हिस्सा है उसके अंदर एक से जायद हिस्सा हो नहीं सकता लेकिन अगर कोई बड़ा जानवर जीवा किया है गाय बैल भैंस या ऊंट वगैरह तो उसके अंदर सात हिस्से होते हैं और सातों हिस्सों के अंदर अगर मुख्तलिफ अफराद शरीक हों तो शरीक हो सकते हैं लेकिन यह है कि हर शख्स सातों अफराद में से हर शख्स वो कुर्बानी की नीयत करे या तकर्रबल्ला की नीयत करे कि अल्लाह इज़्ज़त की रज़ा के लिए मैं इस जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ अपने वाजिब की अदायगी में कर रहा हूँ लेकिन अगर इन सातों में से किसी एक शख्स की भी नीयत ये हो कि मेरी नीयत कुर्बानी की नहीं है तकर्रबल्ला की नहीं है बल्कि इससे मुझे गोश्त हासिल होगा इससे मुझे कई अरसे तक मैं गोश्त का फायदा उठाता रहूंगा और गोश पक, गोश्त पकाते रहेंगे तो अगर ये नियत हुई कुर्बानी की ये ना हुई और तकर्रबील की नियत ना हुई तो ये जानवर की कुर्बानी पूरी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी सबकी तरफ से किसी भी शख्स की तरफ से सातों अफराद में से किसी भी शख्स की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त ना होगी सबकी कुर्बानी ख़राब होगी इसलिए कुर्बानी करने वालों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखें अपनी नीयत के अंदर इस बात का अहतमाम करें कि तकर्रबल्ला की नीयत हो या कुर्बानी की नीयत हो और दूसरा यह है कि इस बात का भी बहुत खसूसी एहतमाम होना चाहिए कि हमारी क़ुरबानी के अंदर कोई बदा शख्स शामिल ना हो हमारे सात हिस्से अगर हैं एक जानवर के अंदर उसमें से कोई ऐसा बद अकैदा शख्स शामिल ना हो जिसके अकायद कुफर तक पहुँचे हुए हों अगर ऐसा शख्स हमारे साथ हिस्सों में शामिल होगा तो उसके शामिल होने की वजह से किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी और इसके अलावा एक और बड़ा अहम मसला है कि जब कुर्बानी कर दी जाती है और फिर कसाईयों को उजरत देने का जब मौका आता है तो कसाइयों को उसी जानवर में से गोश्त बतौर उजरत के दे दिया जाता है या यही है कि उनके सिरी पाए वगैरह बतौर उजरत के दे दिए जाते हैं ये फुकाहा के नज़दीक ये जायज़ नहीं है बल्कि कसाईयों के लिए उनकी उजरत अलग से मुकर करनी चाहिए पैसों वग़ैरह की सूरत में उनको उजरत दे दें और अपनी कुर्बानी को किसी भी तरीके से नाजायज़ की मिलावट और उसकी आमेज अपनी कुर्बानी के अंदर ना शामिल होने दें ताकि हमारी कुरबानी जो तकर्रबल्ला की नीयत से की गई है वो उसी नीयत से अल्लाह रबालज़त के बारगाह में मकबूल हों और एक आखिरी जो अहम मरहला है कुरबानी के गोश के अंदर उसके अंदर जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि किबानी जब कर दी जाए तो उस गोश के फरमाया तीन हिस्से कर लेने चाहिए एक हिस्सा यतामा गरबा मसाकिन और महताजों का रखना चाहिए उनके अंदर वो हिस्सा बांट दिया जाए और फिर दूसरा हिस्सा अपने अयजा व अकरबा रिश्तेदारों का रखना चाहिए उनके अंदर बांट दिया जाए और तीसरा हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहिए और उसको अपने खुद भी इस्तेमाल करें अपने घर वालों को खिलाएं तो तीन हिस्से करके फिर इस तरीके पर अगर हम कुर्बानी के गोश् को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए भी से बरकत होगा हमारे अयजा व अकरबा भी हमारे साथ इस खुशी में शरीक हो सकेंगे और खसूस वो अयजा व अकरबा जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते वह के कुर्बानी के गोश के ज़्यादा मुस्क हैं कि अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दी है आपने कुरबानी कर दी तो आप इस बात की कोशिश करें कि आपकी कुरबानी के गोश् में आपके अयजा वक़्रबा का भी हिस्सा हो और आपके अड़ोस पड़ोस में अगर महताज और यह तमाम मसाकिन मौजूद हैं बेवाएँ मौजूद हैं उनको ढूंढ कर सफ़ेद पोश सफ़ेद पोश लोग भी बहुत सारे ऐसे अड़ोस पड़ोस में मौजूद होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होता है कि ये इनके घर में खाने को नहीं है लेकिन वो किसी सवाल भी नहीं करते तो ऐसे लोगों का खास तौर पर ख्याल करना चाहिए और उनके घरों में ले जाकर उनके पास गोश्त पहुँचाना चाहिए और अपनी इस कुर्बानी के हिस्से में ख़ुद भी ताकि कुर्बानी का गोश्त खा सकें और अपने अयजा व करबा और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इस अपने कुर्बानी के गोश् में उनको शामिल करके अल्लाह रब्ज़त की तरफ से सवाब के मुस्तहिक ठहरें अल्लाह रब्ज़त इस कुर्बानी के फरीज़े को हमारी तरफ से भी और भी जितने साहिब स्तात लोग हैं सब की तरफ से अल्लाह पा इसको कबूल फ़रमाए अल्ला पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ी नसीब फ़रमाए आखिर अनहमदिल्लाबी